बाबू एक बात पूछना है मेरे को, मेरे फ्रेंड्स भी मतलब सोच रहे हैं तुम मेरे ऊपर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो रोज, बात क्या है? बात नहीं पता चलेगा आपको क्यों ला रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे परिवार के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है ये, मेरे को, मम्मी को, दीदी को, हम तीनों को तो हाथ धो के पीछे पड़ा है, क्या बोलना अब। और प्रिंसी ने रखी उसके भाइयों के लिए चॉकलेट, किसको दोगे बेटा? किसको दोगे? हाँ, आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, तो एक बार ये ट्राई करना, कितनी आसानी से बन जाता है ये। सबका डेली रूटीन होता है, बस उठ के नहाना, खाना बनाना, घर की क्लीनिंग वगैरह करना, बच्चों को संभालना, ये सारे डेली रूटीन होते हैं। और आप बोलते हो दीदी आप यही बताते हो, तो जो मेरा डेली रूटीन अभी फिलहाल यही चल रहा है, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाती हूँ तो मार्केट जाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जा पाती। तो अभी फिलहाल तो मैं बनाती हूँ खाना, आज खाने में क्या बनाऊँगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जी भाजी मैंने कुछ भी नहीं ली, तभी मैं देखती हूँ क्या बनाना है, फिर उस हिसाब से बनाती हूँ। देर बहुत हो रही है, प्रिंसी ने अभी नहा ली, उसके बाद वो मम्मा दूधू तो उसको दूध पिला के सुला के आई, तो आज इसमें लेट हो गई यार, तो आज भी खाना बन जाता मेरा जल्दी। तो अभी टाइम हो रहा है एक, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और पिया भी नहीं, ना दूध पिया है और ना खाना खाया है, तो अभी मैं खाना खाती हूँ। मैंने आज बनी है मूंग की दाल की सब्जी। क्या खा रहा तू? नानी ने दिया, तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, फिर उसको सुलाऊंगी, मेरे को भी नींद आ रही है, सर बहुत दर्द कर रहा है। आप खाओगे खाना? हैं? इसको तो मैंने दाल चावल खिला दी, इसके लिए दाल चावल बनाए। हाँ नानी घर नहीं जाते, अब भी आए ना आप नानी घर से, अब नहीं जाते। तो अभी खाना खाने बैठी, दो खोल बड़ी मुश्किल से खाए, और ये रोने लगे मम्मा भुजी दे दो भुजी दे दो, तब उसको इधर सुलाती हूँ। अभी तो उसकी देखो अब क्या बोलोगे मेरे को, इसने मन से उसके डेडा को कॉल भी कर लिया, इसने उसके मन से उसके डेडा को आहो मैंने नहीं किया, मैं तो इधर वीडियो बना रही हूँ बेटू, तुम्हारे बेटे ने फोन लगाया, मैंने नहीं लगाया बाबू, उसके हाथ में, मैं तो इधर वीडियो बना रही, तो अभी मैं उसको सुलाती हूँ, मन से बातें कर उसके पापा से, पिद्दी मेरी। क्या हो गया बेटा, किसको कॉल किया आपने? डेडा को। क्यों किया? बात करने को। वाओ पिंजरे वाली आइस तो चुंदले आल। हाय बोलो। आज नहीं वीडियो बनाना, आज नहीं, ना करना कल बनाना वीडियो। देखो इसको और आज व्लॉगिंग का भूत चढ़ा। लस्सी को मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी तो एकदम अच्छी फ्लफी हो जाएगी, फिर इसको फ्रीजर में रख दूंगी, प्योर निकालूंगी, प्योर ब्लेंड करूंगी तो ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी। एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 4, हम थोड़ा सो गए थे, मैं कितनी 3:30 बजे सोई और प्रिंसी ना 1:30 बजे सो गई थी, इसको सुला इसकी दलिया वलिया बना के रख दी थी, फिर अभी मेरी नींद खुली ये भी उठ गई, तो सोचा इसको दलिया खिला देती हूँ, तो इधर अभी इसकी चलेगी यहाँ पे चिड़िया रानी और फिर खाएगी मेरी बेटी दलिया। खाएगा ना बेटा? हाँ खाएगा। हाँ कैसा लगा बेटा बापू? सभी आए हैं शिवाय। कौन आया लाडो? कौन आया शिवाय? कौन आया? उसकी खुशी नहीं समारी। चिया है और तेरा चिया है आया तेरे चिया नहीं नहीं नहीं। कौन आया लाडो? श-
चियाए क्या लेके आए? चियाए ले, इसको तो लो। शॉपिंग वॉपिंग करी भी है, पाकिजा से बात क्या है, हमको भी कोई ले जाओ। अरे तू कहाँ काला डिंडे, देखो सॉक्स लेके आ रहे हो कहाँ से? पाकिजा से आया, हमको भी ले चला हो। कहीं नहीं हो, कहीं नहीं है हो, तुम क्या लेके आए? टॉवेल है, टॉवेल है और पता नहीं क्या है इसमें। पिंची ए आओ चलो के बर्थडे में, क्यों आओ चलो ना यार बाबू, क्यों नहीं आओ? नहीं क्यों तो यार, पता है मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, उसने स्पेशल कॉल करके बोला खुशी तू और जीजू दोनों का नाम पानी बाटल, बट ये नहीं जा रहे। बाबू चलो के पहले बोलो, नहीं अभी एक बार हिंदी में बोला ना, क्यों सुनना है अच्छे से, अंग्रेजी में बोलो। दुकान से छुट्टी लेके इधर उधर फिर रहे हो, परेशान है? कार्ड बांट रहे हो? काई के कार्ड? इसके अंदर है। काई के? तो दुकान के। दुकान के क्यों मनोज भैया? बता भाई काई के कार्ड बांट रहे? गाड़ी में खड़े हैं। तो है काई के राइट टू ऑफर के केस वन, तो सीधे बोलो नहीं ऑफर का कार्ड बांटी राई जा भाई जा तुम ले जा, चलो ऑफर के कार्ड बांटने सीधे नहीं बोलते बस कार्ड बांट रहे, कार्ड बांट रहे। बहुत मारा, मारा नहीं बहुत मारा, लो मनोज जी ये इससे मारा, ये इससे सटासट सुता मेरे को। बिल्ली लो बताओ आपको क्या लेके आए? आ हे छटचा आ गया पिंची तेला, चंदा आ गया छोटाचा, अच्छा तो चंदा आ गया वो तिंची तेला। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल, मेरी जैसी तबीयत खराब हुई थी ना टाइफाइड वगैरह वैसा मम्मी को भी लग रहा है, तो मम्मी को बता के आते हैं, नहीं ज़्यादा बीमार हो जाएंगे क्योंकि भाभी का सर दर्द कर रहा है, खाना खुद बना है। हाँ बेटा नानी मेरा बेटा, मम्मा छूज, मम्मा छूज क्या है तेरे छूज, मम्मा छूज, उसको छूज भी आते हैं ना, सब आता है, ये भी पहनना वो भी पहनना, बोलती कि तेरे मम्मा छूज जूते भी दो मेरे को, उसको शूज पहनना है। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल, मम्मी गए हैं ऊपर, मम्मी बोले मैं आती हूँ अभी जांच लिखवा के, मम्मी अभी जांच लिखवाने के उसके बाद में ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे, तो पहले ट्रीटमेंट करवा लो, पिछली बार जैसे मम्मी ने ट्रीटमेंट करवा लिया और टाइफाइड था, टाइफाइड का करवाया ही, तो टाइफाइड का पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे फिर घर जाएंगे। इसको देखो दीदी को उसके डेडा ये शॉर्ट चिप डाल कर आए, ला तो ये क्या है, क्या पहने हो आप? शूज बोलो, क्या पहने, क्या पहने हो? लाडो क्या पहने हो आप? शूज नहीं, नहीं तो फिर क्या पहने हो? हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 7:23 और आज भी कल जैसी मैं बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए चीले, ये देख सकते हो इधर इसका चीला बन रहा है। आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, तो एक बार ये ट्राई करना, आलू लेना बॉयल आलू, उसको कद्दूकस कर लेना, उसके अंदर बेसन डालना, आलू ज़्यादा मत लेना, बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखना वरना आपके चीले बनेंगे नहीं, तो उसमें बेसन डालना, आलू कद्दूकस किया वो, उसमें मैगी मसाला नमक और हल्दी और थोड़ी सी कोथमीर डाल देना और जीरा पाउडर हो तो वो डाल देना, और मस्त आराम से थोड़ा पतला बैटर बना के बना लेना। अगर आपके चीले नहीं बन रहे हैं, टूट रहे हैं बार बार, मतलब आपका आलू ज़्यादा है, उसमें बेसन और ऐड करना फिर बनाना, तो एकदम अच्छे बनेंगे और आपका बच्चा अच्छे से खाएगा। कल मैंने बनाया ना, मेरे विदित ने, अतिक ने और प्रिंसी ने तीनों ने पेट भर के खाया और बोलते और दो, तीन चीले बनाए थे तो उन्होंने और मंगे, तो आज सिर्फ प्रिंसी के लिए बन रहे हैं, तो एक दो और तीन बन रहे हैं, तो दो प्रिंसी के लिए रखूँगी और एक विदित को दिया आऊँगी मैं। दलिया भी है बच्चों के लिए, अब प्रिंसी का रूटीन बन गया है, डेली रूटीन सुबह से दाल चावल, दोपहर में दलिया, सोकर उठती उसके बाद में, फिर इस टाइम पे उसको देती हूँ मैं चीला, और नाइट में उसको कुछ भी दूध, दूध तो पीती नहीं है वो, तो उसको मैं कुछ भी खिला के सुला देती हूँ, जैसे कि दाल चावल बना हमारा या दूध रोटी दाल रोटी जो भी खिला देती हूँ मैं,
तो आप भी अपने बच्चे को प्लीज से चीला बना के ट्राई करके जरूर खिलाना। कैसा बना है, खाया या नहीं खाया, ये भी कमेंट में बताना। ये देखो कितनी आसानी से बन जाता है ये। ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा वरना अच्छे नहीं लगेंगे, पूरे तेल तेल लगेंगे। आप इसके अंदर लौकी भी डाल सकते हो। ये देखो बन गया मेरा चीला। नॉर्मल तरीके से इसको इस पे डालो, फिर इसको चम्मच से फैला लो। आपको बच्चे को रोजाना आलू नहीं देना है। अगर आप बच्चे को रोजाना आलू और बेसन दोगे ना, मतलब चने की दाल, तो उससे उसको एसिडिटी वगैरह हो सकती, पेट फूल सकता है, घबराहट हो सकती है। इसलिए आप कभी लौकी ले लेना या फिर कभी पालक ले लेना, थोड़ी सी लौकी कद्दूकस कर ली और उसके अंदर गेहूं का आटा मिक्स करके उसको नमकीन बना के ऐसा पतला घोल के सताया बना के दे देना। नहीं बने ना, थोड़ा सा आप उसमें बेसन डाल सकते। अगर आप नॉन वेज मतलब खाते हो, एग खाते हो, तो एग में ऐसा सब बना के दे, एग के अंदर बॉईल कद्दूकस करके थोड़ा सा बेसन डाल के चीला बना के दो, जिससे आपका बच्चा खाए। ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाओ बच्चे को, क्योंकि एग तो मतलब प्रोटीन से भरा हुआ होता है। तो आप खिला सकते हो। अभी थोड़ी ठंडी आएगी ना, मैं भी मेरे बच्चे को एग खिलाऊंगी। ये देखो कितनी आसानी से, अभी तो मैंने ऑयल भी नहीं लगाया है, एकदम आसानी से बन गया। ये देखो बिना ऑयल लगाए बेसन का चीला। आप अपने लिए भी बना सकते हो। बन गए हैं झटपट से बच्चों के पाए। छाछ में भी घोल सकते हो पानी की जगह आप इसको, और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे अगर आपका बच्चा खट्टा खाना पसंद करता है तो। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, और पता है आज पहली बार, मतलब कितना टाइम हो गया है मेरी शादी को, 4 साल हो गए हैं, और शादी के पहले तो मैं खाना बनाती नहीं थी। तो पता है पहली बार मम्मी ने मेरे को बोला है कि सिद्धू तेरे हाथ की खिचड़ी खिलाना। मैं कितनी बार बोलती हूँ मम्मी मेरे हाथ की खिचड़ी खाना, देने भी जाती हूँ तो मम्मी का कभी उपवास रहता है या मम्मी का मन नहीं होता है, मम्मी खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है, बोले कि अब नहीं खाती, मतलब ऐसा होता है। आज मम्मी ने पहली बार बोला है कि सिद्धू तेरे हाथ की खिचड़ी खिलाना, तो मैं मम्मी के लिए बस वही खिचड़ी लेकर जा रही हूँ। मम्मी की एक तो तबीयत खराब है, टाइफाइड है, पता नहीं क्यों हमारे परिवार के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है ये। मैं को, मम्मी को, दीदी को, हम तीनों को तो मतलब होता ही रहता है टाइफाइड, हाथ धो के पीछे पड़ा है। क्या बोलना अब इतना होता है, अभी तो मम्मी इंजेक्शन लगा रही। मम्मी का फोन आ गया, चलो हम दे के आते हैं खिचड़ी। और प्रिंसी ने रखी उसके भाइयों के लिए चॉकलेट। किसको दोगे बेटा? भाई, भाई को दोगे? कौन से भाई को? दादा। कौन से भाई को दोगे? अधिक को दोगे? हाँ, तभी हम जाते हैं और देकर आते। तो अभी मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। हमारी खिचड़ी बनी थी, मम्मी को दी, तो मम्मी को अच्छी लगी, तो भाभी बोले सिद्धू दीदी मेरे को भी खाना है, मेरे को भी खिचड़ी दो, तो भाभी को भी दी। तब थोड़ी सी खिचड़ी है, तो मैंने सोचा क्या बनूँ क्या बनूँ, तो मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, वो भी घर पर। ये देख सकते हो अभी ये पकेगा, खुशबू तो अच्छी आ रही है, टेस्ट होना चाहिए बस वैसे ही। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, भैया ने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार फेल हो गया, मैं अब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कैसे बनता। तो बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आपको अगर अच्छा बना पूरा कैफे जैसा, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। पहले हम तो टेस्ट करें, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, अगर अच्छा बना तो पक्का मैं कल इसकी आपको तुरंत रेसिपी दूंगी। और हम दाने की चटनी की बहुत बोल रहे हैं कि दीदी दाने की चटनी, तो जो गीले दाने हैं मैंने स्पेशली बुलवाए हैं पापा। अभी हमारे खेत में आज फल्ली निकली है, अब कल या परसों जब भी आते पापा लेकर आएंगे, तो मैं आपको जैसे ही दाने लाएंगे ना, फल्ली लाएंगे, मैं उसको दाने करके आपको तत्काल रेसिपी बताऊंगी। अभी जो तत्काल दाने चल रहे उस दाने की रेसिपी बताऊंगी, गीले दाने, तो ज़रूर देखना। अब टेस्ट देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे इसकी रेसिपी। तो अभी हम खा रहे पास्ता, भैया को टेस्ट करवाया, भैया भाभी को दिया, तो उन लोगों को तो अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सॉल्ट की कमी है, तो उन लोगों ने सॉल्ट डाल के खा लिया। और मेरे पति देव बताएंगे टेस्ट करके, अच्छा अच्छा है, सॉल्ट डाल दिया मैंने ऊपर से। तो इधर हम खाते हैं, और मेरे पति देव मेरी फेवरेट चीज़ ले गया,
बाबू एक बात पूछना है मेरे को, मेरे फ्रेंड्स भी मतलब सोच रहे हैं तुम मेरे ऊपर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो रोज। कैसे? जैसे चॉकलेट लाना, रोमांटिक होना, आज मिठाई लेके आना, बात क्या है? ठीक है, नहीं लाऊंगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। मिठाई मेरे को खाना थी तो ले आ, जल्दी बाद में पता चलेगा आपको क्यों ला रहे हैं। अच्छा, तो गाड़ी दिला रहा ना इसलिए। मतलब ये शिवाय की चाल है, मेरे को गाड़ी दिलाएगी, मजाक कर रहे हैं। मेरे को चॉकलेट्स वगैरह पसंद है इसलिए वो ले आते हैं चॉकलेट, और घर में बच्चा भी है इसलिए, है ना बाबू? गाड़ी तो आएगी हमारी बहुत जल्दी आएगी, इसकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होगी फिर हमारी दूसरी गाड़ी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। बट तो आ जाओ, खाना खा लो, व्हाइट सॉस पास्ता मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। अच्छा लगा तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ, मेरे को अगर अच्छा लगा तो रेसिपी शेयर करूँगी, नहीं अच्छा लगा मेरे को तो नहीं करूँगी। तो टेस्ट करती हूँ मैं, अच्छा है, आपके साथ अब इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं, बहुत इजी है। आ जाओ, आप भी खाना खा लो, हम भी खाते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया जल्दी जल्दी इंस्टा फॉलो करें, आईडी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, Krishan9290, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।